बोला मैं गुरु तेरे घर आ गया, मुझे संकल्प तो लेने ही, चाहे कुछ भी संकल्प, आज तो ये निश्चित करना पड़ेगा कि तू कोई ना कोई तो संकल्प लेगा, मैं जाऊंगा नहीं जब तक तू संकल्प नहीं लेगा। संकल्प लेगा तभी तेरा काम पूरा होगा। तो बोला मुश्किल में डाल दिया। तो बोला अच्छा देख, तू संकल्प ले के उसको किए बगैर खाना नहीं खाएगा। संकल्प तभी पूरा होता है कि वो संकल्प ले, किए संकल्प, क्योंकि सुबह मैंने बताया कि मनुष्य में शक्ति भूख के रूप में, हमारे जीवन में जो भूख उठती है वह शक्ति का परिचायक है। तो बोले देख ऐसा संकल्प ले के वो संकल्प पूरा करके ही खाना खाएगा। बहुत सोचा बहुत सोचा, फिर जाटने का पड़ोस में जाएंगे कुमार का खेत, तो बोला अच्छा सुबह सुबह मैं क्या करूंगा कि कुमार की शक्ल देखूंगा और फिर खाना। बहुत सरल संकल्प है, आप ही संकल्प लोगे, सुबह सुबह पड़ोसी को देखूंगा और उसके बाद खाना खाऊंगा। उसको लगा कि ये तो बहुत सरल है, इसका तो पालन बहुत इजी है, मेरे काम भी हो जाएंगे, गुरु महाराज का आशीर्वाद भी, संकल्प पूरा करूंगा तो मिल जाएगा। सुबह उठता खेत की मुर्रे पे खड़ा होता, कुमार को देखता, खाना खाता हुआ खेत में काम करने के लिए चला जाता। रोज का गुरु महाराज ने कह दिया ना कोई एक संकल्प लेना, चलो उसके बाद ही खाना खाता। एक दिन उसको खेत में थोड़ा जल्दी जाना था, पत्नी ने बोला रोटी बन गई है, खाना खा रोटी खा। उसने कहा ठहर ठहर, तू थाली परोस मैं आता। खेत की मुड़ी पे गया, देखा के कुमार दिख नहीं जा। उसने कहा अरे बाप रे, आज भूख भी लगी है, काम में भी जल्दी जाना है, खेत पे काम करने जाना है, अभी कुमार कहां मर गया है, रोज तो यही कहीं बैठा रहता है, आज जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत आन पड़ी है कहां भाग गया। तो पूछा कि भाई वो कहीं मिट्टी खोदने गया हुआ। अब संकल्प मन से लिया हुआ था, पहले तो सोचा कि संकल्प तोड़ देता हूं, फिर आया कि नहीं संकल्प लिया मैंने, जाट होती है संकल्प लिया है तो संकल्प का पालन करना ही है, पक्का साधक गया। वो कुमार कहीं मिट्टी खोदने दूर दूर गया हुआ देखा। अब उस समय क्या है, कुमार मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी खोदते खोदते क्या हुआ, कोई हांडी मिल गई, हांडी मिल गई। तो उसने हांडी को खोल करके देखा तो कुछ सोने की असर किया मोरे पर, कुमार ने ऐसे छुपाया। अब जाट ने देखा और जोर से बोला देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया, और जाट वापस, उसको तो भूख लगी थी, उसने कहा कि रोज का संकल्प पे कुमार को देखता है, खुश हो गया देख लिया देख लिया देख लिया। कुमार ने सोचा कुछ गड़बड़, अब तो गड़बड़ हो, अब जाट तो वापस अपने घर की तरफ जाए, उसको तो भूख लगी, कुमार उसके पीछे पीछे दौड़े हांडी लिए हुए, अरे देख लिया तो आधा दिया देख लिया तो आधा दिया देख लिया तो आधा दिया। उसने सोचा किसी को बताना मत किसी को बताना मत, क्या करे। कुमार सोचा यदि पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया तो पुलिस आ जाएगी और आ जाएंगे सब लूट लाट के ले जाएंगे, इसलिए कह रहे देख लिया तो आधा दिया देख लिया तो आधा दिया। दौड़ा दौड़ा कुमार तेजी से उसके पास जाट के पास आया, देख भाई करे क्या हुआ, कहे देख लिया देख लिया देख लिया, आज तो देख लिया, आज तो मजा आ गया देख लिया। उसने कहा देख लिया तो आधा दिया देख लिया तो आधा दिया, आधा दे दिया। जाट ने सोचा कि यार एक संकल्प को मानने से इतना धन प्राप्त हो सकता है, ऐसी मनोकामना पूर्ण हो सकती है,
तो किसी में अच्छे उद्देश्य को लेकर के यदि मैं संकल्प करूं तो क्यों नहीं ईश्वर की कृपा होगी, क्यों नहीं गुरु की कृपा बरसेगी। चलो आपके बारे में आपको पूछ रहा हूं, क्या संकल्प ले रहे हो? संकल्प तो लेना पड़े। सुबह 6 बजे उठने का, रोज सूर्य को अर्घ्य करने का, चलो रोज स्नान करने का, बोलो बोलो कोई संकल्प तो मन ही मन बोलो। रोज समय पर 4 माला गुरु मंत्र जप करने का आपको संकल्प लेना है, मैं तो आपके साथ संकल्प ले लूंगा। रोज 1 घंटा वॉक करने का, अरे संकल्प लो, चलो गुरु मंत्र को मत जपो, रोज 1 घंटा बोलोगे 1 घंटे में एक्सरसाइज करूंगा, शारीरिक व्यायाम करूंगा या चक्कर लगाऊंगा, घूम करके जरूर 1 घंटे आऊंगा, या संकल्प में उनको बस अब गुस्सा नहीं करूंगा, 24 घंटे में से इन 2 घंटों में बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, रोज नए धुले हुए वस्त्र पहनूंगा। क्या है कि वस्त्र तो आप अच्छे पहन लेते हो, अंदर वो बंडी बंडी कहते हो, बंडी या जहां जहां पहन लेते हो वो सोचते हो कौन देख रहा है ये तो चलता है। अरे कोई भी संकल्प ले, कोई भी संकल्प ले लेना। आज जब आपके सामने दीक्षा का मंत्र बोलूंगा, संकल्प एक ले लेना। आप अपनी साधना पूर्ण करना चाहते हो, कोई एक संकल्प जरूर ले। ऐसा संकल्प लेना कि रोज 4 गुरु भाइयों से जय गुरुदेव फोन करके बोलो, व्हाट्सएप नहीं, रोज के 5 जनों को फोन करूंगा, चलो 5 जान पहचान वाले मित्रों को फोन करूंगा, उन्हें कहूंगा क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, कैसे हो, जय गुरुदेव कहने के लिए फोन किया। रोज संकल्प कर देना के आधे घंटे तो निखिल मंत्र विज्ञान पढ़ूंगा पढ़ूंगा, रोज एक मंत्र को याद करूंगा, एक ही मंत्र चाहे शिवतांडव स्तोत्र हो या चंद्रशेखर स्तोत्र हो, के रोज गुरु आरती तो रोज जरूर करूंगा ही करूंगा। अब ये सुबह करूंगा शाम को करूंगा, लेकिन निश्चित समय ऐसा कोई ना कोई संकल्प होना चाहिए। अब तुम जल लेते हो, मैं कहता हूं संकल्प लो, तुम संकल्प लेते हो मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए, मेरी बहुत एकदम पदोन्नति हो जाए, मेरा यह कार्य हो जाए, वो संकल्प नहीं, ये तो आपकी कामना है। संकल्प का अर्थ है हाँ कामना जरूर पूर्ण होगी, लेकिन कामना की बेस में है संकल्प। जिनके जीवन में संकल्प नहीं है उनका जीवन कभी भी वृद्धि नहीं करता है, वे हमेशा परावलंबी रहते हैं, पराश्रयी रहते हैं, क्योंकि उनका संकल्प तस्मे मन शिव संकल्प वस्तु। संकल्प का अर्थ है खुद के मन के शिव भाव से अपना परिचय करना, अपने शिव भाव से जोड़ना। संकल्प परम आवश्यक है। कैसा संकल्प लेना है, मैं कहता हूं 10,000 संकल्प है कि रोज मैं मंदिर जाऊंगा, चलो रोज गुरु जी के चित्र को निश्चित रूप से गीले कपड़े से साफ करूंगा और उनके ऊपर गुरु जी के चित्र के ऊपर तिलक लगाऊंगा। कोई भी एक संकल्प ले जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ इस संकल्प का मैं इसी तरह से इजीली पालन कर सकता। मेरा ऐसा कहना है कि जीवन में संकल्प अवश्य होना चाहिए, संकल्प से ही शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि संकल्प शिव भाव का द्योतक है और जहां संकल्प होता है वहीं शक्ति आती है। अन्यथा शक्ति कहती थी तो खुद अपने आप में किसी भी बात को लेकर के स्टैंड नहीं करना है। जो अपनी बात पर स्टैंड करते हैं
अर्थात संकल्प लेते हैं उनके पास शक्ति निश्चित रूप से आती ही आती है और मनुष्य की कामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। आज मैं कह रहा हूं याद रखना, प्रत्येक कामना पूर्ति का ही होता है, केवल कामनाओं की कामना करने से कामनाएं पूर्ण नहीं होती, संकल्प लेने से ही कामना को बल मिलता है और कामना अवश्य पूर्ण होती है, क्योंकि कामना भी देखती है, शक्ति भी देखती है। अरे भाई, सामने वाला शिव भाव से युक्त है कि नहीं है, निश्चित है कि नहीं है, दृढ़ व्यक्तित्व तो है कि नहीं है, क्योंकि जो सुदृढ़ भीतर से नहीं होगा वो संकल्प नहीं ले सकता, वो अपने संकल्पों को बार बार तोड़ता है, इसलिए वह विकल्प अपनाता है। आज इस स्थान पर चले गए, आज ये पूजा कर ली, आज ये कर लिया, अपनी सुविधा के अनुसार जब आप कार्य करना चाहते हो तो भगवान भी देखता है कि मेरी जब सुविधा होगी तब इसका काम कर दूंगा, ये अपनी सुविधा देखता है। लेकिन जब भगवान भी देखता है कि इसका दृढ़ संकल्प है, जब शिव जी ने देखा कि पार्वती का दृढ़ संकल्प है, इतनी दृढ़ तपस्या में रत है, तो भगवान शिव को भी कैलाश पर्वत से आकर शक्ति के साथ संयुक्त होना पड़ा, अपना सन्यासी भाव छोड़ना पड़ा और गृहस्थ जीवन की संसार में शुरुआत हो पाई, क्योंकि शक्ति का प्रबल संकल्प। आप कामना लिंग क्षेत्र में आए हैं, आज कोई कोई संकल्प अवश्य है, और ऐसा नहीं कल संकल्प को बदल लेना, परसों तीसरा संकल्प, चौथा, चौथे दिन कोई और चौथा संकल्प। संकल्प एक होता है निश्चित, उन संकल्पों में वृद्धि आप कर सकते हैं, ये नियम ये नियम, संकल्प का अर्थ है नियम, और नियम कौन, अपने मन से बने। आप मैं तो आपके ऊपर कह नहीं रहा हूं कि रोज गुरु जी के जाकर के पैर दबाना, मैं तो कह नहीं रहा हूं कि रोज इस प्रकार का काम करना। अब आपका संकल्प है कि आज गुरु जी मैंने आज संकल्प लिया कि आज से मैं पान बीवी नहीं लूंगा, तो नहीं लूंगा, ये संकल्प ले लिया। मैं तो हजार उदाहरण आपको देके बता सकता हूं, संकल्प लेना तैयार है, हाथ खड़े नहीं हुए, सोच लेना अपने मन से, अभी तो टाइम है, दो चार पांच मिनट का टाइम है। तो शिव कहते कि तस्मे मन शिव संकल्प सत्व के, मन तुझे जीवन में आनंद चाहिए, रस प्रवाह चाहिए, विश्राम चाहिए, उन्नति चाहिए, तुझे संकल्प लेना ही पड़ेगा। तस्मे मन सब शिव संकल्प वस्तु, तू संकल्प लेगा तो मैं तेरे मन में शिव रूप में स्थापित होऊंगा। जिसके मन में संकल्प नहीं उसके मन में शिव नहीं, वह शव के समान। शव और शिव में अंतर इतना ही है कि जो शिव युक्त होता है वह निश्चित रूप से अपने कुछ संकल्प कामना अवश्य पूर्ण होगा, उसके बारे में आप ज्यादा चिंता मत करो। आप अपने संकल्प का ध्यान रखो, जो संकल्प लिया है उस संकल्प को ताकत चाहिए, क्योंकि संकल्प गुलमुल जल्दी है, क्योंकि कई बार कौन देख रहा है, आज किसको मालूम पड़ेगा, लेकिन मन में बैठा हुआ ईश्वर जो पूरे जगत को चला रहा है वह सब देख रहा है। आप किसी से कोई बात छुपा सकते हैं, लेकिन गुरु और ईश्वर के समक्ष सारी बातें खुल करके स्पष्ट कह देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि पूजा में मौन में जो संभाषण होता है उसमें हृदय के हम द्वार, मन के द्वार खोल लेते हैं, ये सब कुछ क्लियर होता है, मन में पुनः आनंद का प्रभाव प्रारंभ होता है और मन को संकल्प के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है।
जो भी संकल्प दिया है उसकी पालना के लिए संकल्प हमेशा शुभ होते हैं। कामना होती है कि मेरा शत्रु समाप्त हो जाए, कि वह ऐसा हो जाए, मेरा ऑफिसर बीमार हो जाए या कुछ ऐसी, वो सब कामना है। संकल्प हमेशा शुभ होता है। शुभ संकल्प को बता देता है। अब आप अपने घर परिवार में बोलेंगे कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं एक माला गुणमंत्र जप करूंगा, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, या मैं नित्य इस मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाऊंगा, या जो भी संकल्प लिया है कि मैंने ये संकल्प लिया है, तो शुभ संकल्प होता है उसको बताने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन संकल्प को निभाना नहीं, संकल्प को जीना। हम एक सेकंड के लिए भी सांस को लेना बंद नहीं करते, तो उसी प्रकार जो संकल्प, ऐसा नहीं कि आप कोई वार्षिक संकल्प हो कि वर्ष में एक बार गुरु जी से मैं मिलूंगा, ये मैं आज गुरु जी आए जिद करने लगे, कोई संकल्प हो तो मैंने ये संकल्प ले लिया है कि साल में एक बार गुरु से मिलूंगा, वो संकल्प आपसे निभ नहीं पाएगा। क्योंकि मैं कई संकल्प देखता हूँ जो ये कहते हैं कि मैं तो किसी आपसे 2008 में मिला था, 2012 में मिला था, 2004 में मिला, उसके बाद अब मिलना होगा, तो वैसा संकल्प तो करना होगा, क्योंकि मिलना तो बार बार होगा ही। संकल्प वैसा लेना जिस नियम को आप सहजता से पालन कर सकते। अपन संकल्प मत लेना कि मैं जल में खड़े होकर के रोज चार माला मंत्र जप करूंगा, वह संकल्प निभ नहीं पाता। संकल्प जो बार बार टूट जाए तो आप सोचो कि कोई यदि धागा टूटा हुआ है तो बार बार जोड़ेंगे तो गांठ फट जाएगी, वो मजबूती नहीं रहती। तो मन नरम होता है लेकिन मजबूत होना चाहिए। मन में नम्रता होनी चाहिए लेकिन उस नम्रता में भी मजबूती होनी चाहिए। जो मजबूत होगा वह नम्र होगा, ये बात आप निश्चित रूप से जान लीजिए। जो जितना शक्तिशाली होता है वह उतना ही नम्र। नम्रता और शक्ति अलग अलग नहीं है कि ये तो बहुत विनम्र भाव से युक्त है, इसका मतलब जो क्रोधी होता है वह भयभीत होता है, वह क्रूर होता है, वह हमेशा बड़बोड़ा होता है, क्योंकि उसके भीतर खुद की शक्ति नहीं। जो शक्ति से युक्त होते हैं वे हमेशा नम्र बने रहते और इस भाव से जीवन जीते हैं कि ईश्वर ने प्रदान किया है, मेरा कार्य है कि मैं संकल्प के साथ अपने जीवन को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस चतुर्लोक की प्राप्ति करूं। उसी भाव के साथ संकल्प लेना,